आज की क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम परमानेंट स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग या स्मूथनिंग किस तरह से करेंगे। इसे हम एक्सटेंसो भी कह सकते हैं। जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यह है लॉरेज कंपनी का। आप लोग इसके अलावा बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट है वो भी ले सकते हो। अच्छा, मेरी क्लाइंट का बाल आप लोग देख लो किस तरह का था। इनका नीचे वाला जो पार्ट था ना, वहाँ पर इनका पहले से कलर हुआ हुआ था, और जो ऊपर का बाल था ना, वो सारा इनका वर्जन था। ठीक है। अच्छा, मैंने बालों को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, मतलब 2 पार्ट्स में। आप लोग चाहो तो 4 पार्ट में भी आराम से डिवाइड कर सकते हो। और याद रहे कि जो भी बाल इनका नीचे से कलर वाला था ना ऑलरेडी, उसके ऊपर मैंने पानी स्प्रे कर दिया था। ठीक है। और ऊपर वाले बालों पे भी किया था, लेकिन नीचे वाले बालों पे ऑलमोस्ट मैंने 40% तक स्प्रे कर दिया था, ताकि वो अगर जो भी मैं प्रोडक्ट लगाऊँ ना उन बालों पर, तो वो अपना वर्क थोड़ा सा स्लो करे और बाल डैमेज या रफ ना हो। आप लोग के पास भी जब कोई क्लाइंट आए ना इस तरह का, जिनका बाल ऑलरेडी हाइलाइटेड हो और वो नीचे आ चुकी है, तो आप लोग नीचे वाले बालों को इसी तरह से गीला कर लोगे और आप अपना प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो नीचे वाले बालों का काम है ना, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और वहाँ पर भी बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। ठीक है। अच्छी तरह से आप पतले पतले स्लाइस लेके पूरे बालों में पार्टिंग कर लोगे, और जब तक आप वेट करोगे जब तक आपका बॉन्ड नहीं टूट जाता है। अच्छा, मेरी इस क्लाइंट के बालों में ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट में बॉन्ड टूट चुका था। मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा YouTube की, वो लोग कहते हैं कि आप 40 मिनट तक प्रोडक्ट छोड़ दो, 30 मिनट तक प्रोडक्ट छोड़ दो। नहीं, ये बिल्कुल एक गलत नॉलेज है, ऐसा नहीं होता है। हर बालों का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेयर आप लोगों को बस प्रोडक्ट लगाने के फौरन 2-4 मिनट बाद ही चेक करना शुरू कर देना है। अच्छा, जब इनका बॉन्ड टूट गया तो मैंने क्लाइंट को शैम्पू यूनिट पर जाकर पहले सारे बालों को पानी से रिंस किया, मतलब सारे बालों को वॉश किया पानी से। इसके बाद आप किसी भी ब्रांड का नरिशिंग मास्क या केराटिन मास्क लेके अप्लाई कर दोगे और 10 मिनट्स तक उसको बालों पर छोड़ दोगे। ठीक है। और फिर अगेन उसको पानी से रिंस आउट कर लोगे और अपनी वापस अगेन चेयर पे लाकर इसको अच्छी तरह से टॉवल ड्राई करोगे और फिर इसको 100% ब्लो ड्राई कर दोगे। ठीक है। ब्लो ड्राई मतलब ये पैडल ड्राई होगा, मतलब पैडल मोटे वाले ब्रश से आप इसको ड्राई कर लोगे। जब आपका बिल्कुल 100% ड्राई हो जाएगा, तो आप जिस तरह से हमने प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए पतला पतला स्लाइस लिया था ना, सेम इसी तरह से हम बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस लेंगे और आयरन चलाएंगे। आयरन एटलीस्ट इन बालों पे, जो ऊपर वाला पार्ट था ना इनका, उसके ऊपर मैं तकरीबन 8 से 10 बार चला रही थी, और जो नीचे वाला कलर वाला बाल था ना उस पर भी 4 से 5 या 6 बार मैंने चलाया था। ओके, आप लोगों को भी बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपका पूरा बाल ऊपर से लेकर नीचे तक वर्जन है, तो आप 8 से 10 बार चला सकते हो, लेकिन अगर डाई वाला या हाईलाइट वाला बाल है, तो फिर आपको इस तरह से थोड़ी सी एहतियात करनी है। अच्छा, इस तरह से जो स्लाइसिंग आपको लेनी है ना, वो पूरे ऊपर तक, क्राउन एरिया तक आप पतला पतला स्लाइस लेते जाओगे और आयरन अच्छी तरह से करते जाओगे। याद रहे कि आयरन करते वक्त एक अच्छा प्रेशर जाना है, ताकि बालों के ऊपर स्ट्रेट होने के साथ साथ एक शाइनिंग आ जाए। स्ट्रेटनर आप लोग ट्राई करो कि प्रोफेशनल ही यूज़ किया करो। बहुत सारी बच्चियाँ जो है वो रेमिंगटन के जो लोकल 2-2.5 हज़ार वाले, उससे काम करती हो, फिर कहती है आप ही हमें रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, आपके पास प्रोफेशनल आयरन होना भी ज़रूरी है। ये देखें आयरन के बाद कितना स्मूथ रिजल्ट है, इनका बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अगेन पतले पतले स्लाइस लेना शुरू किए और इनके इसके ऊपर नंबर 2 क्रीम फिक्सर लगाना शुरू किया। अच्छा, आप मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लेते हो ना, चाहे वो एक्सटेंसो का हो, चाहे वो रिबॉन्डिंग का हो, चाहे वो स्मूथनिंग का हो, चाहे वो रिलैक्सिंग का हो, किसी भी चीज़ का हो, सिवाय केराटिन के, सबका प्रोसेस एक ही होता है। केराटिन का प्रोसेस अलग होता है। ठीक है। केराटिन बालों को रिपेयर करता है, और स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, स्मूथनिंग, ये सब चीज़ें बालों को स्ट्रेट करती है। ओके। अच्छा, इस प्रोडक्ट को आपको इतनी देर लगाना है जितनी देर आपका फर्स्ट प्रोडक्ट था ना। अब अगर 12 मिनट मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था, तो मैंने 6 मिनट तक सेकंड प्रोडक्ट लगाया था। ठीक है। अगर आपका बॉन्ड 15 मिनट्स में टूटता है, तो आप 7.5 मिनट लगाओगे। अगर आपका बॉन्ड 5 मिनट में टूटता है, तो आप 3 मिनट तक लगाओगे। अगर आपका बॉन्ड 30 मिनट्स में टूटता है, तो आप 15 मिनट्स तक लगाओगे। ठीक है। ये टाइम आपको खुद याद रखना है। इसके बाद आप पानी से अगेन बालों को रिंस करोगे, सारा प्रोडक्ट निकालोगे, और फिर अगेन आपको क्या करना है कि मास्क या किसी भी अच्छी कंपनी का नरिशिंग मास्क लेके इसको लगा के तकरीबन 15 या 20 मिनट तक आप छोड़ दोगे, और फिर अगेन सादे पानी से रिंस करके क्लाइंट को अपनी जगह पे लाओगे, उसको अच्छी तरह से टॉवल ड्राई करोगे और फिर ड्राई कर दोगे। अगेन पैडल ड्राई ही करना है, आपको ब्लो ड्राई नहीं करना है। ये पैडल ब्रश बहुत आराम से, बहुत इजीली बहुत सारे कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाते हैं, आप लोग ले लो, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। अच्छी तरह से पैडल ड्राई करने के बाद आपका क्लाइंट रेडी है। आप लोग चाहो तो इस ड्राई से, मतलब इसको 100% ड्राई करने से पहले इस पर सिरम भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब ये देखो, ये इनका फाइनल रिजल्ट है, मैं आपको एंड में भी दिखाती हूँ। अब आप लोग को मुझे ये बताना है कि मैंने इनके बालों में प्रोडक्ट को कितनी देर तक छोड़ा था। ओके, अल्लाह हाफिज़।